ये है इसकी एंट्रेंस यहाँ से कश्मीर पार्क। तो यार ये है इसका स्काई व्हील इधर। और अभी जो है कौन सा टेरेस व्हील कहते हैं इसको। अच्छा हमको सिखा रिया है। मैं अभी सेकंड टाइम आ रहा हूँ। सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम किसके साथ आए थे? अच्छा अच्छा सीक्रेट है, बच्चे का सीक्रेट है भाई। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। मैं तो खैर काफ़ी दफ़ा बैठा हूँ इस पर, मेरी वाइफ जो है वो फर्स्ट टाइम बैठेगी इसके ऊपर, तो वो भी चलते हैं और जाके उसका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नहीं तो यार जैसा कि आपको पता है कि आजकल गर्मी है बहुत ज़्यादा और हफस का मौसम है। अच्छा तो आज छुट्टी थी मेरी और बच्चे रहने के लिए सिस्टर आई हुई हैं, तो बच्चे कहते जी हमने जाना है कश्मीर पार्क जो उधर DHA वाली साइड पे बना हुआ है। तो बस अभी शाम का टाइम है और गर्मी तो है लेकिन हबस बहुत ज़्यादा है, पसीना नहीं रुकने में आ रहा। चल झूठा। तो बस अभी बच्चों ने भी कहा है छुट्टियाँ उनकी, तो जाना तो बनता है अभी, तो अभी चलते हैं बस नीचे और तैयारी शैरी करके फिर हम चलते हैं कश्मीर पार्क और आपको भी दिखाते हैं कि जो मुल्तान DHA का जो कश्मीर पार्क है वो कैसा है, उसकी क्या एंट्री फीस है और जो उसके अंदर झूले हैं वो कौन कौन से हैं और क्या उनकी प्राइस है, तो वो भी चलते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नए मेरे आने वाले ब्लॉग्स हैं वो आप तक आसानी पहुँचते रहें। तो यार अभी चलते हैं नीचे और फिर चलते हैं DHA की तरफ। तो यार अभी जो है हम निकल पड़े हैं DHA कश्मीर पार्क के लिए। अभी जैसे आप देख सकते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है इधर, शाम का टाइम है, अभी तो चलते हैं उधर, पसीना आ रहा बहुत ज़्यादा, तो कभी वहाँ चलते हैं फिर वहाँ जाके मिलते हैं। तो यार अभी हम इंटर हो चुके हैं इधर DHA में। ये इसकी इंट्रेंस है ब्लैक साइड वाली, यहाँ पर छोटी क्लियरेंस वहाँ में नहीं रोके गई है। यहाँ से अभी हम चलते हैं अंदर और फिर आपको दिखाते हैं कश्मीर पार्क। और ये है इसकी एंट्रेंस यहाँ से कश्मीर पार्क। यहाँ से जो है इसकी टिकट वगैरह मिलेगी। अभी चलते हैं अंदर और जाके देखते हैं, बच्चे बड़े खुश हैं। ये है जी इसकी एंट्रेंस। बाकी अभी अंदर चलते हैं और जाके दिखाते हैं आपको। तो यार ये है इसका स्काई व्हील इधर। और अभी जो है कौन सा फेरिस व्हील कहते हैं इसको। हाँ ये है फेरिस व्हील। तो बस अभी मौसम तो ठीक है, अभी हवा चल रही है इधर, ठंडी इतनी भी नहीं है लेकिन गुजारा है। तो ये है जी फेरिस व्हील और ये बाकी चीज़ें इधर सारी। बाकी अभी चलते हैं साथ साथ अंदर और दिखाते हैं आपको पूरा कश्मीर पार्क। ये जहाँ से अभी हम इंटर हुए थे ये वो जगह है और इधर घोड़े वगैरह, घोड़े वो खड़ा है, एक घोड़े हैं। और सुनाओ राफी साहब, कब वापसी है आपके लाहौर की? कल सुबह। कल सुबह ना जाओ यार, वो खड़ा ही है घोड़ा, अच्छा बना हुआ है। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं इधर। राफी साहब आप कितनी दफ़ा आए हैं? मैं अभी सेकेंड टाइम आ रहा हूँ। सेकेंड टाइम फर्स्ट टाइम किसके साथ आए थे? अच्छा अच्छा सीक्रेट है, बच्चे का सीक्रेट है भाई। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। किसके साथ आया था? कॉपीराइट ना आ जाए यार, अभी थोड़ा बंद कर देते हैं इसको। यार ये जो वाले झूले हैं वहाँ से इंटर होके आपके लेफ्ट साइड पे आएंगे तो ये हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इसके कोई पैसे नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बच्चे आए यहाँ पर जितनी मर्ज़ी देर जो है वो इधर इंजॉय कर सकते हैं, खेलें इधर और झूले वगैरह लें। बाकी ऐसा ही है, बाकी अभी विज़िट करते हैं इसका बाकी और भी। वो सामने जो है वो कौन वाला है और बाकी ये एंट्रेंस है वहाँ से, बाकी अभी उस साइड पे चलते हैं। Oh
तो यार ये सामने है ऊंट, और अभी जो है हमने इसके ऊपर करनी है कैमल राइडिंग। मैं तो खैर काफ़ी दफ़ा बैठा हूँ इस पर, मेरी वाइफ जो है वो फर्स्ट टाइम बैठेगी इसके ऊपर, तो वो भी चलते हैं और जाके उसका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। ये आ गया जी ऊंट वाला, कहाँ गया रफ, आ रहा है अब इसको बिठाएगा ये। ये आ गया जी ऊंट। हाँ जी उस्ताद जी, क्या हिसाब है, कहाँ कितना चक्कर लगाओगे? चक्कर घोर का लंबा है, चक्कर लंबा से चक्कर ये क्यों ऊपर ले चढ़ रहे हो जल्दी वापस। चलो फिर बिठाओ इसको। तो यार ये हम बैठ चुके हैं ऊंट पे, और इस पे जो है बहुत धक्के लग रहे हैं, इस पे ऐसा लग रहा है जैसे हम पता नहीं रोलर कोस्टर में बैठे हुए हैं। हाँ जी, तो यार ये है इसकी दूसरी साइड, ये फेरिस व्हील, और वो सामने बच्चों का है वो घोड़े वाला, एक वो झूला इधर, और बाकी कुछ उधर है बस। ये इतना सही है कश्मीर पार्क, झूले तो इसमें थोड़े ही हैं, बाकी मतलब घूमने फिरने का है इसमें ज़्यादा। नीचे पानी भी है सारा, बहरहाल अच्छा है, मतलब बच्चों के लिए सही है, बेहतरीन। ये छोटी सी झील बनी है इधर, इसमें कश्ती चलती है लेकिन इसमें पानी है नहीं इतना अभी। और वो सामने वो है ड्रैगन बोट है शायद। यार ये बच्चों को बिठाया है इसके अंदर, और बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे हैं इसके अंदर। यार ये एक झूला है जिसमें हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, देखते हैं अभी किधर बैठे हैं। मैं तो नहीं बैठा, मैं लास्ट टाइम बैठा था इसमें तो बड़ी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने तो छोड़ दिया था। कहाँ गए वो रे, डोली नंबर 4 में। तो यार एक ये है डिस्कवरी टावर, ये भी बड़ा ख़तरनाक झूला है एकदम से, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा एकदम से नीचे एकदम से ऊपर। अब ये जाएगा ऊपर, स्पीड थोड़ी है, मज़ा नहीं आया। अभी एकदम से आएगा नीचे, हाँ भाई ये आया बस, इतना ये मज़ा नहीं है इसका। 150 रुपये टिकट है एक बंदे की, लेकिन मज़ा नहीं है इसमें। तो यार ये ख़त्म हो गया सारा कुछ, अब वापसी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो नए मेरे आने वाले व्लॉग्स हैं वो आप तक बसानी पहुँचते रहें।